Hello friends and welcome to the Exams Made Simple. Today we are going to discuss the current affairs for 7th of April 2019. ठीक है, तो discussion शुरू करें. इससे पहले हम लोग देख लेते हैं questions को. आप लोग इनका answer करिएगा comment section में. तो सबसे पहला question है आप लोगों के लिए, which of the following statements are true about Hayabusa 2? It is an asteroid sample return mission operated by NASA. And second statement is, it was launched on 3rd December 2014 and rendezvoused with near-Earth asteroid 162173 Raigu on 27 June 2018. तो आपको बताना है इन दोनों में से कौन सा statement सही है. One only, two only, both one and two, neither one nor two. दूसरा question है आप लोगों के लिए, the original home of the gypsies was Egypt, Russia, India या फिर Persia. Last question for the day is, which one of the following is the continent with the highest mean elevation in the world? Your options are Antarctica, North America, Asia या फिर South America. ठीक है, तो आप लोग इन तीनों question के answers करिएगा. अब हम लोग आगे बढ़ते हैं paper में. पहले दो pages add के थे, अब यहाँ पे देखते हैं. यहाँ से paper शुरू होता है and ये जो शुरुआत वाली news हैं दोनों की, दोनों political news हैं, so we can skip it. यहाँ पे एक स्टेटमेंट आया है, कल्याण एंड नीति आयोग चीफ मस्ट गो. फॉर्मर होम मिनिस्टर पी चिदंबरम हैज सेड दैट कल्याण सिंह द गवर्नर ऑफ राजस्थान एंड नीति आयोग चीफ मस्ट गो फॉर द वायलेशन ऑफ मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट. ठीक है, तो यहाँ पे दो इश्यूज डिस्कस हुए हैं, उन दोनों के बारे में, वो हमारे लिए एज एन यूपीएससी एस्पिरेंट इंपॉर्टेंट है, तो देख लेते हैं. सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे AFSPA के बारे में, आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट. इसको समझ लेते हैं सिंपल. अगर सिंपल टर्म्स में बात करें तो AFSPA गिव्स आर्म्ड फोर्सेस द पावर टू मेंटेन पब्लिक ऑर्डर इन डिस्टर्ब्ड एरियाज. ठीक है, तो ऐसे एरियाज जो डिस्टर्ब्ड हैं वहां पे लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए या पब्लिक ऑर्डर मेंटेन करने के लिए जो स्पेशल पावर्स दी गई हैं आर्म्ड फोर्सेस को, उसको आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर बोला जाता है. इसके बारे में हम लोग डिटेल में अभी नीचे देखेंगे. ठीक है, तो AFSPA के अंदर है क्या, इट गिव्स द अथॉरिटी टू प्रोहिबिट अ गैदरिंग ऑफ 5 or more persons इन एन एरिया एंड फोर्सेस कैन यूज इवन फोर्स और इवन ओपन फायर आफ्टर गिविंग ड्यू वार्निंग इफ दे फील अ पर्सन इज इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ द लॉ. ठीक है, तो AFSPA के अंडर आर्म फोर्सेस जो है वो 5 या उससे ज्यादा लोगों की गैदरिंग को रोक सकते हैं कि ऐसी कोई गैदरिंग ना की जाए. इसके अलावा इफ दे फील दैट दे आर इन द कॉन्ट्रावेंशन ऑफ लॉ देन दे कैन ओपन द फायर ऑल्सो. ठीक है, तो ये किया जा सकता है. इसके अलावा इफ अ रीजनेबल सस्पिशन एग्जिस्ट द आर्मी कैन ऑल्सो अरेस्ट अ पर्सन विदाउट अ वारंट, एंटर और सर्च अ प्रेमिसेस विदाउट वारंट एंड बैन द पोजेशन ऑफ फायर आर्म्स. ठीक है, तो अगर आर्म फोर्सेस को लगता है इफ दे हैव अ सस्पिशन देन दे कैन एंटर द हाउस ऑफ एनी बडी विदाउट एनी सॉर्ट ऑफ सर्च वारंट. ठीक है, तो ये एक बहुत एक्स्ट्रॉर्डिनरी पावर है टू कंट्रोल टेररिज्म एंड अदर फॉर्म ऑफ डिस्टर्बेंसेस. ठीक है, तो उसके लिए ये आर्म फोर्सेस को दी गई है. ठीक है, हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे डिस्टर्ब्ड एरिया क्या होता है. ठीक है, एंड हु हैज द पावर टू डिक्लेयर इट. ठीक, तो ध्यान रखिएगा, डिस्टर्ब्ड एरिया इज द वन विच इज डिक्लेयर्ड बाय नोटिफिकेशन अंडर सेक्शन 3 ऑफ द AFSPA. तो डिस्टर्ब्ड एरिया कौन से सेक्शन में डिक्लेयर किया जा सकता है, सेक्शन 3 ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट. एंड एनी एरिया कैन बी डिस्टर्ब्ड ड्यू टू डिफरेंसेस और डिस्प्यूट बिटवीन मेंबर्स ऑफ डिफरेंट रिलीजियस, रेशियल, लैंग्वेज और रीजनल ग्रुप्स और कास्ट और कम्युनिटीज. ठीक है, तो इनमें से किसी भी की वजह से वो एरिया जो है वो डिस्टर्ब्ड एरिया हो सकता है और उसको डिक्लेयर कौन कर सकता है, द सेंट्रल गवर्नमेंट और द गवर्नर ऑफ द स्टेट और एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ द यूनियन टेरिटरी. तो इन तीन में से कोई भी किसी भी एरिया को डिस्टर्ब्ड एरिया डिक्लेयर कर सकता है, सेंट्रल गवर्नमेंट, गवर्नर ऑफ द स्टेट और एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ द यूनियन टेरिटरी. तो ये ध्यान रखिएगा यहाँ पे इसके बारे में कि हु कैन डिक्लेयर इट, सेंट्रल गवर्नमेंट, गवर्नर ऑफ द स्टेट और एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ द यूनियन टेरिटरी. ठीक है, और इसका ओरिजिन देख लेते हैं कि व्हाट्स द ओरिजिन ऑफ AFSPA. सो द एक्ट केम इनटू फोर्स इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंक्रीजिंग वायलेंस इन द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स विच द स्टेट गवर्नमेंट फाउंड डिफिकल्ट टू कंट्रोल. तो हुआ क्या था, इन द 1950s देयर वाज अ लार्ज स्केल वायलेंस इन द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स एंड स्टेट गवर्नमेंट्स फेल टू कंट्रोल दैट वायलेंस. तो उसको ओवरकम करने के लिए आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट बनाया गया था एंड दिस एक्ट वॉज पास्ड अप्रूव्ड बाय द प्रेसिडेंट ऑन September 11, 1958 एंड इट इज नोन एज द आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट 1958. ठीक है, अभी ये किन किन स्टेट्स में अभी इफेक्टिव है, तो इट इज इफेक्टिव इन द होल ऑफ नागालैंड, असम, मणिपुर एक्सक्लूडिंग 7 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज ऑफ इम्फाल एंड पार्ट्स ऑफ अरुणाचल प्रदेश एंड रिसेंटली
तीन डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं अरुणाचल प्रदेश के जहां से गवर्नमेंट ने AFSPO को विड्रॉ कर लिया है, ठीक है। इसके अलावा रिमेंबर दिस डेट द सेंटर रिवोक्ड AFSPO फ्रॉम मेघालय ऑन अप्रैल 1, 2018 एंड त्रिपुरा विड्रू द आर्म फोर्सेज स्पेशल पावर एक्ट इन 2015 एंड आर्म फोर्सेज स्पेशल पावर एक्ट इज इन फोर्स इन जम्मू एंड कश्मीर ऑल्सो, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा आप लोग आर्म फोर्सेज स्पेशल पावर एक्ट के बारे में। यहाँ पे जो दूसरा इशू हाईलाइट किया गया है वो है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट से रिलेटेड। तो हम लोग देख लेते हैं कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है क्या। सो दीज आर द गाइडलाइंस इशूड बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया फॉर कंडक्ट ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज एंड कैंडिडेट्स ड्यूरिंग इलेक्शंस, ठीक है। तो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी और उनके कैंडिडेट्स को इलेक्शन टाइम में स्पेशली विथ रिगार्ड टू स्पीचेस एंड पोलिंग डे पोलिंग बूथ उसको लेके कैसे कंडक्ट करना है उसको लेके जो इलेक्शन कमीशन ने गाइडलाइंस जारी की हैं उनको मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट बोला जाता है। इनका एम क्या है, दे एम टू इंश्योर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, ठीक है। ये कम फोर्स कब इन्फोर्स होता है, एज सून एज द इलेक्शन कमीशन अनाउंसेस द डेट ऑफ इलेक्शन, ठीक है। जैसे ही इलेक्शन का डेट अनाउंस किया जाता है इलेक्शन कमीशन द्वारा वैसे ही मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट कम इन टू फोर्स एंड इट रिमेन्स इन फोर्स टिल द रिजल्ट्स आर अनाउंस, ठीक है। द कोड रिमेन्स इन फोर्स टिल द एंड ऑफ द इलेक्टोरल प्रोसेस एंड द इलेक्टोरल प्रोसेस एंड्स विद द अनाउंसमेंट ऑफ रिजल्ट, ठीक है। तब तक मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू रहता है। इसका एवोल्यूशन देख लेते हैं। द इलेक्शन कमीशन इशूड द मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट फॉर द फर्स्ट टाइम इन 1971 एंड सिंस देन इट हैज़ बीन रिवाइज्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम, ठीक है। तो सबसे पहले और इसके बारे में एक चीज ध्यान रखिएगा, मॉडल ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट इज नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ। तो ऐसा कोई लॉ नहीं है, इट इज नॉट लीगली बाइंडिंग, बट देयर आर सर्टेन प्रोविजंस इन द इंडियन पेनल कोड 1860 एंड कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 एंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 वेयर इफ यू हैव वायलेटेड द मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट यू कैन बी पनिश्ड, बट मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट एज सच इज नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ। तो अगर क्वेश्चन आ जाए कि वेदर मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट इज एनफोर्सेबल बाय लॉ, तो आप लोग आंसर करिएगा इट इज नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ। And election commission has itself argued against making the MCC legally binding because elections are completed within a relatively short time around 45 days and judicial proceedings typically take longer time, ठीक है। तो ये है कि elections तो बहुत जल्दी हो जाते हैं, 45 days में हो जाएंगे, लेकिन अगर आप इसको legally binding बना देंगे तो model code of conduct को लेके अगर कोई भी आदमी court में जाएगा तो उसमें बहुत ज़्यादा time लग जाता है, ठीक है। तो इसलिए election commission ने बोला है it should not be legally binding, ठीक है। इसके मेन पॉइंट्स क्या हैं, इसके मेन पॉइंट्स देख लेते हैं कि ड्यूरिंग दिस व्हेन मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट इज इन फोर्स देन द गवर्नमेंट डज नॉट पार्टिसिपेट इन एनी न्यू रिक्रूटमेंट प्रोसेस, कोई भी नई भर्ती नहीं की जाती है, ठीक है। इसके अलावा जो है वो एक दूसरे के इलेक्शन कैंपेन को हिंडर नहीं किया जाएगा या जानबूझ करके लड़ाई की स्थिति नहीं क्रिएट की जाएगी। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जब लागू होता है तो यू विल नॉट सीक द वोट्स इन द नेम ऑफ रिलीजन, ठीक है, इसको लेकर के, या कोई भी ऐसा नहीं होगा कि गवर्नमेंट इज मोनोपोलाइजिंग गवर्नमेंट सर्विसेज लाइक गेस्ट हाउस एंड ये सारी चीजें जो है वो सबके लिए ओपन होंगी, इट विल बी ओपन फॉर ऑल द कैंडिडेट्स, ठीक। तो ये है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के बारे में। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे है डिड नॉट लीक VVIP चॉपर केस चार्जशीट ई डिटेल्स कोर्ट। तो न्यूज ये थी कि एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने कोर्ट को बताया है कि दे हैड नॉट लीक्ड द चार्जशीट विथ रिगार्ड टू VVIP चॉपर केस, ठीक है। तो एज सच न्यूज इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जो यहाँ पे इंस्टीट्यूशन मेंशनड है वो इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट। तो एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट के बारे में देख लेते हैं। एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट इज अ मल्टी डिसिप्लिनरी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे अलग अलग डिपार्टमेंट से आए हुए लोग काम करते हैं, हेंस इट इज रेफर्ड एज अ मल्टी डिसिप्लिनरी ऑर्गेनाइजेशन। एंड इसका प्राइमरी काम क्या है, इट इज टास्क विद एनफोर्सिंग द प्रोविजंस ऑफ टू स्पेशल लॉज। क्लियरली रिमेंबर दीज टू स्पेशल लॉज, फर्स्ट वन इज द फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट ऑफ 1999 एंड सेकेंड वन इज द प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002। तो एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट किन दो लॉज को एनफोर्स करता है, पहला है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999, दूसरा है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002। एंड एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट कब बना था, इट वॉज फॉर्मड इन 1956 एज एन एनफोर्समेंट यूनिट, ठीक है, अंडर डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, ठीक। तो 1956 में एनफोर्समेंट यूनिट के तौर पे बना था, इसका रीनेमिंग की गई थी 1957 में वेन इट वॉज रीनेम्ड एज एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट। अभी इसके करंट चेयरमैन कौन है, करंट चेयरमैन इज संजय कुमार मिश्रा। आप में से जो लोग SSC टाइप या वनडे टाइप एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं वो ध्यान रखेंगे कि इस ED के करंट चेयरमैन है संजय कुमार मिश्रा। एंड एट प्रेजेंट इसका डिपार्टमेंट कौन सा है, एट प्रेजेंट एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट वर्क्स अंडर डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, ठीक है। तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन देखें तो उसकी मिनिस्ट्री जरूर ध्यान रखें। तो ED की मिनिस्ट्री क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा यहाँ पे ED के बारे में।
इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। पेज नंबर 2 पे कोई भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है, सारी पॉलिटिकल न्यूज़ हैं, तो वी कैन स्किप इट। पेज नंबर 3 पे भी सेम हाल है, मर्डर एंड डकैती से रिलेटेड न्यूज़ हैं, वो अपने लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। 4th पेज पे ऐड है, सो वी कैन स्किप इट। आप लोग पेपर हमारे साथ पढ़ते चलिए, ठीक है। यहाँ पे अब पेज नंबर 5 में एक न्यूज़ इंपॉर्टेंट है, ई कॉमर्स पोर्टल टू पे ₹16,000 फॉर मिसलीडिंग एड्स, ठीक है। तो एज सच दिस न्यूज़ इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, लेकिन यहाँ पे जो एक इंस्टीट्यूशन मेंशनड है वो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, NCDRC, नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट्स रिड्रेसल कमीशन, ठीक है। तो इसके बारे में देख लेते हैं कि ये है क्या। तो NCDRC इज अ क्वेसी जुडिशियल कमीशन सेट अप अंडर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1986। तो कैसी बॉडी है ये, क्वेसी जुडिशियल बॉडी है, किस एक्ट के अंदर में बनी है, इट इज फॉर्म सेट अप अंडर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1986। इसका पर्पस क्या है, तो इसका पर्पस है इट एड्रेसेस ग्रीवेंसेस ऑफ एग्रीव्ड कंज्यूमर फॉर गुड्स एंड सर्विसेज हैविंग वैल्यू ओवर ₹1 करोड़, ठीक है। तो ऐसी कोई गुड्स एंड सर्विसेज जिनकी कीमत 1 करोड़ से ज्यादा है, अगर उसको लेके आपको कोई डिस्प्यूट है या कोई शिकायत है, देन यू कैन गो टू NCDRC, ठीक है। इट वॉज कब बना था ये, इट वॉज एस्टेब्लिश्ड इन 1988 एंड इज हेडक्वार्टर्ड इन न्यू दिल्ली, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, इसके हेड कौन होते हैं, द कमीशन इज हेडेड बाई सिटिंग और रिटायर्ड जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, ठीक। तो ये ध्यान रखिएगा। इसके अलावा यहाँ पे देख लेते हैं इसके स्टेचुरी प्रोविजंस क्या क्या हैं। सेक्शन 21 ऑफ द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, ये हम लोग देख चुके हैं कि अगर 1 करोड़ से ज़्यादा की गुड्स एंड सर्विसेज को लेके कोई शिकायत है तो आप NCDRC जा सकते हैं। इसके अलावा सेक्शन 23 ऑफ द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1986 प्रोवाइड्स दैट एनी पर्सन एग्रीड बाय द ऑर्डर ऑफ NCDRC में अपील अगेंस्ट सच ऑर्डर टू सुप्रीम कोर्ट विद इन अ पीरियड ऑफ 30 डेज। तो अगर आपको NCDRC के खिलाफ कोई शिकायत करनी है, आप उसके आदेश से या ऑर्डर से इफ यू आर नॉट सेटिस्फाइड, देन यू कैन गो टू सुप्रीम कोर्ट विद इन अ पीरियड ऑफ 30 डेज, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा NCDRC के बारे में, किस एक्ट के अंदर बना था, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1986 के बारे में बना था, इट सीज द कंप्लेंट्स विद रिगार्ड टू गुड्स एंड सर्विसेज ओवर ₹1 करोड़, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, न्यू दिल्ली में है। तो ये ध्यान रखिएगा NCDRC के बारे में, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, आ जाइए यहाँ पे एक न्यूज़ है, 9 पोलिंग स्टेशंस फॉर ब्रू वोटर्स इन मिजोरम, ठीक है। तो एज सच ये न्यूज़ इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन यहाँ पे जो मेंशन्ड है ब्रूस, इनके बारे में देख लेते हैं। रियांग और ब्रू आर वन ऑफ द 21 शेड्यूल ट्राइब्स ऑफ द इंडियन स्टेट ऑफ त्रिपुरा, ठीक है। तो ब्रूस के बारे में ये ध्यान रखिएगा कि दे आर वन ऑफ द 21 शेड्यूल ट्राइब्स ऑफ द इंडियन स्टेट ऑफ त्रिपुरा एंड दे आर द सेकेंड मोस्ट पॉपुलस ट्राइब ऑफ त्रिपुरा आफ्टर त्रिपुरीज, ठीक है। इसको इसके अलावा ये है कि ब्रूस को वायलेंस मिजोरम में बहुत बड़ा इशू है। इन 1997 लार्ज नंबर ऑफ ब्रूस हैड टू फ्ली फ्रॉम मिजोरम ड्यू टू अ वायलेंस बिटवीन मीजोस एंड ब्रूस, ठीक है। मीजोस से डैट ब्रूस आर नॉट द इंडिजिनस ट्राइब ऑफ मिजोरम सो दे शुड लीव मिजोरम, ठीक है। तो इसके कारण जो वायलेंस हुआ था, सो लार्ज नंबर ऑफ ब्रूस हैड सेटल्ड इन त्रिपुरा, ये ध्यान रखिएगा। एंड अपार्ट फ्रॉम त्रिपुरा ब्रूस कैन बी फाउंड इन मिजोरम असम मणिपुर एंड बांग्लादेश ऑल्सो, ठीक। तो ये ध्यान रखिएगा यहाँ पे ब्रूस के बारे में। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे कोई भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ नहीं है, एड्स हैं। आगे आ जाइए, इस पेज में पूरे के पूरे पॉलिटिकल किस्से थे, सो वी कैन स्किप इट। यस, हियर इज एन इम्पोर्टेंट न्यूज़ फॉर अस, ग्राफ्ट एलेज्ड इन मसाला बॉन्ड सेल, ठीक है। सो लीडर ऑफ द अपोजिशन इन केरला रमेश चेन्नीथाला हैज एलेज्ड दैट अ कैनेडियन कंपनी हैविंग क्लोज लिंक्स विद SNC-Lavalin हैज बॉट अ मेजर पार्ट ऑफ द मसाला बॉन्ड फॉर ₹2,150 करोड़ इशूड बाय द केरला इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट फाइनेंस बोर्ड। तो ओवरऑल क्या है कि जो लीडर ऑफ द अपोजिशन है केरला में, उन्होंने मसाला बॉन्ड सेल में करप्शन की बात की है। तो एज सच ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मसाला बॉन्ड क्या है वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है UPSC का, तो हम लोग देख लेते हैं मसाला बॉन्ड्स के बारे में। व्हाट आर मसाला बॉन्ड्स, मसाला बॉन्ड्स आर बॉन्ड्स इशूड आउटसाइड इंडिया बट डिनोमिनेटेड इन इंडियन रुपीज रैदर देन लोकल करेंसी, ठीक है। तो ऐसे बॉन्ड्स विच आर इशूड आउटसाइड इंडिया बट डिनोमिनेटेड इन द इंडियन रुपीज आर नोन एज मसाला बॉन्ड्स, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। इसके अलावा पहले मसाला बॉन्ड किसने इशू किए थे, द फर्स्ट मसाला बॉन्ड वॉज इशूड बाई द वर्ल्ड बैंक बैग्ड इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन इन November 2014, ठीक है। तो वर्ल्ड बैंक बैग्ड इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन ने पहले मसाला बॉन्ड इंडिया के लिए इशू किए थे, ठीक है।
इसका हम लोग फायदा देख लेते हैं कि मसाला बॉन्ड का फायदा क्या होता है। बाय इशूइंग बॉन्ड्स इन रुपीज एंड इंडियन एंटिटीज प्रोटेक्टेड अगेंस्ट द रिस्क ऑफ करेंसी फ्लक्चुएशन। ठीक है, तो अगर आप लोग आप कोई भी ऐसा बॉन्ड खरीदते हैं जो डॉलर के में डिनोमिनेटेड है, तो उसके कारण जब भी डॉलर का रेट हाई या लो होगा तो आपके यील्ड के ऊपर असर पड़ेगा। लेकिन अगर आप मसाला बॉन्ड खरीद रहे हैं तो सिंस इट इज डिनोमिनेटेड इन रुपीज, सो इट यू विल बी प्रोटेक्टेड अगेंस्ट द रिस्क ऑफ करेंसी फ्लक्चुएशन। ठीक है, इसके अलावा ये है कि मसाला बॉन्ड्स ऑल्सो हेल्प इन इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ द रुपी एंड इन एक्सपेंशन ऑफ द इंडियन बॉन्ड मार्केट्स। ठीक, तो मसाला बॉन्ड के तीन फायदे ये हैं कि इट प्रोटेक्ट्स यू अगेंस्ट द रिस्क ऑफ करेंसी फ्लक्चुएशन, सेकेंड वन इज दैट इट हेल्प्स इन द इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ द रुपी, एंड थर्ड वन इज दैट इट हेल्प्स इन एक्सपेंशन ऑफ द इंडियन बॉन्ड मार्केट्स। तो आप लोग ये तीनों पॉइंट्स ध्यान रखिएगा, हो सकता है यूपीएससी में ये तीन पॉइंट्स आपको दिख जाएं कि व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ मसाला बॉन्ड, या विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट मसाला बॉन्ड्स, दैट इट प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट द रिस्क ऑफ करेंसी फ्लक्चुएशन, सेकंड वन इज इट हेल्प्स इन इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ द रूपी, एंड थर्ड वन इज इट हेल्प्स इन एक्सपेंशन ऑफ द इंडियन बॉन्ड मार्केट्स। तो ये तीनों स्टेटमेंट सही होंगे। एंड पहली कंपनी कौन सी है जिसने मसाला बॉन्ड इशू किए हैं, तो ध्यान रखिएगा HDFC। HDFC इज द फर्स्ट इंडियन कंपनी टू इशू मसाला बॉन्ड्स। ठीक, तो यहाँ पे हमने देखा मसाला बॉन्ड्स के बारे में। अब आगे बढ़ जाते हैं, यहाँ पे कोई भी इंपॉर्टेंट न्यूज नहीं है एज सच। यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं एक मिशन शक्ति के बारे में, एक स्टेटमेंट आया है DRDO चीफ डॉक्टर सतीश रेड्डी का। सो ही हैज सेड दैट ऑल लो अर्थ सैटेलाइट्स इन रीच ऑफ ASAT मिसाइल। ठीक है, एंटी सैटेलाइट मिसाइल दैट वाज लॉन्च्ड बाय इंडिया ऑन 27th March। नाउ DRDO चीफ सतीश रेड्डी हैज सेड दैट ऑल लो अर्थ सैटेलाइट्स आर इन रीच ऑफ ASAT मिसाइल। ठीक है, तो हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं ASAT मिसाइल्स के बारे में कि ये क्या होता है। एंटी सैटेलाइट वेपन्स प्रोवाइड द कैपेबिलिटी टू शूट डाउन एनिमी सैटेलाइट्स इन ऑर्बिट, देयर बाय डिसरप्टिंग क्रिटिकल कम्युनिकेशंस एंड सर्वेलेंस कैपेबिलिटीज। ठीक है, तो इसके जरिए जो है हम जो हमारे एनिमी कंट्रीज हैं उनकी सैटेलाइट्स को टेक डाउन कर सकते हैं। ये एंटी सैटेलाइट मिसाइल सिस्टम है, एंड सो फार ओनली US, रशिया एंड चाइना हैव दिस पावर। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा कि इंडिया के अलावा किन तीन कंट्रीज के पास ASAT मिसाइल्स हैं, तो US, रशिया एंड चाइना। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। इसके अलावा ASAT मिसाइल्स आल्सो एक्ट एज अ स्पेस डिटरेंट इन डिसवेडिंग एडवर्सरीज फ्रॉम टारगेटिंग द कंट्रीज सैटेलाइट नेटवर्क। तो ऐसा क्यों होगा, क्योंकि अगर आपको पता है कि इंडिया के पास ASAT मिसाइल सिस्टम है, तो अगर आप इंडिया की कोई भी मिसाइल को डाउन करेंगे, सो इंडिया कैन आल्सो रिटेलिएट इन द सिमिलर फैशन। सो इट विल एक्ट एज अ डिटरेंट अगेंस्ट इंडियन एडवर्सरीज। ठीक है, इसके अलावा एंटी सैटेलाइट वेपन सिस्टम्स वर्ल्ड में कब डेवलप होना शुरू हुई थी। एंटी सैटेलाइट वेपन सिस्टम्स हैव अ लॉन्ग हिस्ट्री एंड वर अ प्रोडक्ट ऑफ कोल्ड वॉर हॉस्टिलिटीज बिटवीन द यूनाइटेड स्टेट्स एंड द सोवियत यूनियन। सो एंटी सैटेलाइट वेपन्स वर डेवलप ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर हॉस्टिलिटीज बिटवीन यूनाइटेड स्टेट्स एंड सोवियत यूनियन। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा यहाँ पे ASAT के बारे में, एंड इसका जो नाम दिया गया था वो है मिशन शक्ति। तो यहाँ पे हमने देखा ASAT मिसाइल सिस्टम के बारे में। अब यहाँ पे एक न्यूज़ है, क्लोजर ऑफ नेशनल हाईवे कॉजेज प्रॉब्लम्स इन कश्मीर। तो यहाँ पे जो क्या हुआ है कि जो पुलवामा अटैक में CRPF की कॉन्वाई के ऊपर अटैक हुआ था, उसके बाद जम्मू एंड कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन हैज़ डिसाइडेड दैट द नेशनल हाईवेज विल बी क्लोज्ड फॉर सिविलियन मूवमेंट ऑन संडे एंड वेडनेसडेज। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा कि संडे और वेडनेसडे को पुलवामा अटैक के बाद कॉन्वाई मूवमेंट के लिए नेशनल हाईवे को सिविलियन मूवमेंट्स के लिए बंद रखा जाएगा। अब इसके कारण दिक्कत क्या हो रही है कि वहाँ के लोगों का ये कहना है कि इट विल इम्पैक्ट टूरिज्म, हॉर्टिकल्चर, एजुकेशन सेक्टर्स अपार्ट फ्रॉम पेशेंट केयर, क्योंकि दैट इज़ द ओनली लिंक बिटवीन श्रीनगर एंड अदर पार्ट ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, तो वो एक तरह का लिंक है, एंड इफ इट विल बी क्लोज देन इट विल इम्पैक्ट ऑल दीज सेक्टर्स लाइक टूरिज्म, हॉर्टिकल्चर, एजुकेशन एज वेल एज पेशेंट मूवमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे जो नेशनल हाईवे 44 है उसके बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं। नेशनल हाईवे 44 इज द लॉन्गेस्ट रनिंग मेजर नॉर्थ साउथ नेशनल हाईवे इन इंडिया। तो इंडिया का जो सबसे लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे है, दैट इज नेशनल हाईवे 44, एंड इट बिगेंस फ्रॉम श्रीनगर एंड टर्मिनेट्स इन कन्याकुमारी। एंड इसकी टोटल लेंथ कितनी है, इसकी टोटल लेंथ है 3745 किलोमीटर। 3745 किलोमीटर इज द टोटल लेंथ ऑफ नेशनल हाईवे 44, एंड इट इज द लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे ऑफ इंडिया, एंड इट पासिस थ्रू द स्टेट्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका एंड तमिलनाडु। आप इन स्टेट्स को ध्यान रखिएगा, हो सकता है कि आपको नेशनल हाईवे 44 के बारे में पूछ लिया जाए यूपीएससी में कि
किन किन स्टेट से पास होता है। तो स्टेट्स ध्यान रखिएगा, जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका एंड तमिलनाडु। नेशनल हाईवे 44 पासेस थ्रू ऑल दीज स्टेट्स, ठीक है, एंड इट इज द लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे ऑफ इंडिया, हैविंग अ लेंथ ऑफ 3745 किलोमीटर। अब आगे बढ़ जाते हैं हम लोग यहाँ से, लोग आगे बढ़ते हैं यहाँ से। पेज नंबर 10 पे कोई भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है क्योंकि सारी की सारी पॉलिटिकल न्यूज़ है, सो वी कैन स्किप इट। इसके बाद यहाँ पे आ जाइए पेज नंबर 11 पे, भी कोई यहाँ पे इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है। पेज नंबर 12 पे देख लेते हैं हम लोग, एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ है हमारे लिए, US टू डेजिग्नेट ईरान्स इलीट फोर्स एज अ टेररिस्ट ग्रुप। एंड हम लोग यहाँ पे ये न्यूज़ इसलिए डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि दिस विल बी द फर्स्ट टाइम दैट अ कंट्रीज मिलिट्री वुड बी डेजिग्नेटेड एज अ टेररिस्ट ग्रुप, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग रेवोल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स के बारे में देख लेते हैं कि है क्या। द इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प वॉज फॉर्म्ड आफ्टर द 1979 इस्लामिक रेवोल्यूशन विद अ मिशन टू डिफेंड द क्लरिकल रेजिम। तो ये कब बना था? 1979 के इस्लामिक रेवोल्यूशन के बाद बना था। पर्पज क्या था? इट्स पर्पज वॉज टू डिफेंड द क्लरिकल रेजिम ऑफ ईरान, ठीक। इसके अलावा अब होगा क्या कि अगर आपको टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर कर दिया गया है, सो इट मींस दैट नो वन कुड डू बिजनेस विद रेवोल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प एंड एनी इंस्टीट्यूशन इन्वॉल्विंग इन एनी सॉर्ट ऑफ बिजनेस विल बी सब्जेक्ट टू पनिशमेंट, ठीक। तो ये ध्यान रखिएगा यहाँ पे रेवोल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प के बारे में। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे देखते हैं हम लोग, एक न्यूज़ है इबोला वायरस से रिलेटेड, एंड सम 100 पीपल हैव डाइड इन द इबोला एपिडेमिक इन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो ओवर द लास्ट पास्ट 3 वीक्स, ठीक है। तो हम लोग देख लेते हैं इबोला वायरस के बारे में। इबोला वायरस डिसीज क्या है? इबोला वायरस डिसीज इज अ वायरल हेमरेजिक फीवर ऑफ ह्यूमंस एंड अदर प्राइमेट्स कॉज्ड बाय इबोला वायरस। इबोला वायरस पहली बार कहाँ डिस्कवर किया गया था? इट वाज फर्स्ट आइडेंटिफाइड इन 1976 इन द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो इन अ विलेज नियर इबोला रिवर फ्रॉम विच इट टेक्स इट्स नेम। तो इसका नाम जो है वो पड़ा है क्यों? क्योंकि उसके जो आइडेंटिफिकेशन हुआ था, इट वॉज फाउंड इन अ विलेज नियर द इबोला रिवर। एंड इसका स्प्रेड कैसे होता है? इट इज ट्रांसमिटेड टू पीपल फ्रॉम वाइल्ड एनिमल्स एंड स्प्रेड्स इन द ह्यूमन पॉपुलेशन थ्रू ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन। एंड इसके नेचुरल होस्ट कौन है? फ्रूट बैट्स आर द नेचुरल होस्ट ऑफ इबोला वायरस, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, फ्रूट बैट्स आर नेचुरल होस्ट ऑफ इबोला वायरस। एंड हाउ इट स्प्रेड्स? इट स्प्रेड्स थ्रू कॉन्टेक्ट विथ बॉडी फ्लूइड्स ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन सच एज ब्लड, यूरिन एंड सलाइवा। इट ऑल्सो स्प्रेड्स थ्रू सेक्शुअल ट्रांसमिशन। तो ध्यान रखिएगा, ये स्प्रेड कैसे होता है इसका? इट इज स्प्रेड थ्रू कॉन्टेक्ट विथ बॉडी फ्लूइड्स ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन सच एज ब्लड, यूरिन एंड सलाइवा। एंड इट ऑल्सो स्प्रेड्स थ्रू सेक्शुअल ट्रांसमिशन। तो ये है इबोला वायरस के बारे में। इसका नेचुरल होस्ट जरूर ध्यान रखिएगा, फ्रूट बैट्स आर द नेचुरल होस्ट ऑफ इबोला वायरस। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं यहाँ पे पेज नंबर 13 पे, इंपॉर्टेंट न्यूज़ कौन सी है? तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, इंडिया विल बी द थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बाय 2030। फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली हैज सेड दैट व्हाइल एड्रेसिंग द स्टूडेंट्स ऑफ श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स दैट बाय 2030 इंडिया विल बी द थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी विद द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट टचिंग $10 trillion, ठीक है। तो अभी कितना है हमारा साइज ऑफ इकोनॉमी? एट प्रेजेंट द साइज ऑफ इंडियन इकोनॉमी इज अबाउट $2.9 trillion, ठीक है। एंड एट प्रेजेंट हम कौन सी इकोनॉमी है? एट प्रेजेंट इंडिया इज ऑसिलेटिंग बिटवीन द 5th and 6th लार्जेस्ट इकोनॉमी डिपेंडिंग ऑन द डॉलर रेट, ठीक है। सो फाइनेंस मिनिस्टर हैज सेड दैट वी विल बी द थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बाई 2030। इसके अलावा यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट न्यूज है G20 से रिलेटेड कि G20 मस्ट टैकल रूट कॉजेज ऑफ ट्रेड टेंशन डेट थ्रेटन ग्रोथ। यूरोपियन यूनियन ने बोला है कि जो ट्रेड टेंशन हैं उसको वी शुड ट्राई टू रिजॉल्व इट एट द G20 फाइनेंस मिनिस्टर्स मीट। तो हम यहाँ पे देख लेते हैं कि रूट कॉज ऑफ टेंशन क्या क्या है। तो रूट कॉज ऑफ टेंशन है दैट मोस्ट ऑफ द कंट्रीज, डेवलप्ड कंट्रीज स्पेशली, फील दैट दे आर नॉट गिवन फ्री एक्सेस टू डेवलपिंग कंट्रीज मार्केट। सेकेंड वन इज इन्वेस्टमेंट रिलेटेड इशूज, थर्ड वन इज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स इशू, एंड फोर्थ वन इज रोल ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स इफेक्टिवनेस इन सेटलिंग डिस्प्यूट्स। तो ये चारों मेजर टेंशंस हैं, लेवल प्लेइंग फील्ड फॉर ओपन एंड फ्री ट्रेड इन गुड्स एंड सर्विसेज, सेकेंड वन इज इन्वेस्टमेंट रिलेटेड इशूज, थर्ड वन इज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स इशू, एंड फोर्थ वन इज रोल ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स इफेक्टिवनेस इन सेटलिंग डिस्प्यूट्स। तो इसको डील करना है। यहाँ पे जो एक ऑर्गेनाइजेशन मेंशनड है G20, हम लोग इसके बारे में देख लेते हैं कि है क्या। G20 इज एन इंटरनेशनल फोरम फॉर गवर्नमेंट्स एंड सेंट्रल गवर्नर्स फ्रॉम डेवलपिंग एंड डेवलप्ड कंट्रीज, ठीक है। और ये बना कब था? इट वॉज फाउंडेड इन 1999
एंड इट एम्स टू डिस्कस पॉलिसी पर्टेनिंग टू प्रमोशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी. तो इसका एम क्या है, प्रमोशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी. बना कब था, 1999 में बना था. एंड G20 हैव मेंबर्स फ्रॉम ऑल द इनहैबिटेड कॉन्टिनेंट्स एंड इट रिप्रेजेंट्स 85% ऑफ द ग्लोबल इकोनॉमिक आउटपुट एंड 2/3 ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन एंड 75% ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड. तो ध्यान रखिएगा, G20 मेंबर्स रिप्रेजेंट ऑल इनहैबिटेड कॉन्टिनेंट्स, 85% ऑफ द ग्लोबल इकोनॉमिक आउटपुट, 2/3 ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन एंड 75% ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड. इसके मेंबर्स कौन कौन है, तो अगर याद रखना है तो आप कॉन्टिनेंट वाइज याद कर सकते हैं. फ्रॉम साउथ अमेरिका अर्जेंटीना एंड ब्राजील, नॉर्थ अमेरिका से US, कैनेडा एंड मैक्सिको, अफ्रीका से साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया से ऑस्ट्रेलिया, यूरोप से है ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, रशिया, इटली, यूरोपियन यूनियन, एंड एशिया से है इंडिया, चाइना, टर्की, साउथ कोरिया, जापान, इंडोनेशिया एंड सऊदी अरेबिया. तो ध्यान रखिएगा, अगर आप लोग कॉन्टिनेंट वाइज याद करेंगे तो बहुत आसान हो जाएगा याद करना. साउथ अमेरिका से 2 countries अर्जेंटीना एंड ब्राजील, दोनों बड़ी कंट्रीज. नॉर्थ अमेरिका से 3 बड़ी कंट्रीज, US, कैनेडा एंड मैक्सिको, अफ्रीका से साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया से ऑस्ट्रेलिया, यूरोप से मेजर पावर्स ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, रशिया, इटली, यूरोपियन यूनियन, एंड एशिया से इंडिया, चाइना, द राइवल्स, साउथ कोरिया, जापान, इंडोनेशिया, सऊदी अरेबिया एंड टर्की. तो ये ध्यान रखिएगा यहाँ पे G20 के बारे में. आगे बढ़ते हैं हम लोग. यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है कि इंडियाज़ इम्पोर्ट्स फ्रॉम चाइना आर डेक्सेलरेटिंग. ठीक है, तो एक PhD चैम्बर ऑफ कॉमर्स की रिपोर्ट आई है कि डेट इंडियाज़ इम्पोर्ट्स फ्रॉम चाइना आर डेक्सेलरेटिंग. ठीक है, तो इसको पढ़ लेते हैं हम लोग. इंडियाज़ इम्पोर्ट्स फ्रॉम चाइना स्टूड एट $60 billion ड्यूरिंग द अप्रैल टू जनवरी पीरियड ऑफ 2018-19 फिस्कल, एट एक्सेलरेशन ऑफ 5% ओवर द करस्पॉन्डिंग पीरियड अ ईयर एगो. ठीक, तो ये ध्यान रखिएगा यहाँ पे कि चाइना से जो हमारा इम्पोर्ट है वो घटा है. ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ हो जाती है. हो सकता है UPSC में प्रिलिम्स में पूछ लिया जाए आपसे वेदर दिस स्टेटमेंट इज ट्रू और नॉट. सो फॉर द लास्ट फिस्कल ईयर अवर इम्पोर्ट फ्रॉम चाइना हैज डिक्लाइंड एंड द ट्रेड डेफिसिट ऑल्सो हैज ईज्ड टू $46 billion फ्रॉम $53 billion अ ईयर एगो. ठीक है, तो जो ट्रेड डेफिसिट है इंडिया और चाइना का वो भी घटा है. तो यहाँ पे यही एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी. And India has also identified and shared with China a list of 380 products including horticulture, textile, chemicals and pharmaceuticals as their shipment hold huge export potential in the neighboring country. ठीक है, तो अपने trade deficit को कम करने के लिए China के साथ India ने इन सारे sectors के ऊपर focus किया है. तो sectors ध्यान रखिएगा, horticulture, textile, chemical and pharmaceutical. ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा यहाँ पर इंडिया चाइना ट्रेड के बारे में कि हमारा इम्पोर्ट घटा है, ट्रेड डेफिसिट घटा है एंड इंडिया हैज़ फोकस्ड अपॉन सेवरल सेक्टर्स टू फर्दर रिड्यूस अवर ट्रेड डेफिसिट विथ चाइना. अब आगे बढ़ते हैं हम लोग. यहाँ पे जो एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है वो है चैलेंजिंग द इलेक्टोरल बॉन्ड. सो इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम हैज़ बीन चैलेंज्ड इन द सुप्रीम कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट हैज़ एडजर्न्ड द हियरिंग टू April 10. ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम के बारे में देख लेते हैं कि ये क्या है एंड इसको लेके गवर्नमेंट का क्या आर्ग्यूमेंट है एंड इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का क्या आर्ग्यूमेंट है. ठीक, तो इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम वॉज अनाउंस्ड इन द यूनियन बजट 2017. तो ये कब अनाउंस हुई थी, कब स्टार्ट हुआ था, 2017 के यूनियन बजट में इसे अनाउंस किया गया था. इनका एम क्या था, इट एम्ड फॉर इंक्रीजिंग ट्रांसपेरेंसी इन पॉलिटिकल फंडिंग. ठीक है, और इंडिया इज द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू हैव सच यूनिक बॉन्ड्स फॉर इलेक्टोरल फंडिंग. ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा यहाँ पे इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम के बारे में. इसके अलावा ये क्या है, दीज बॉन्ड्स आर बियरर इंस्ट्रूमेंट इन नेचर ऑफ प्रोमिसरी नोट एंड इंटरेस्ट फ्री बैंकिंग इंस्ट्रूमेंट. तो आपको इलेक्टोरल बॉन्ड से कोई इंटरेस्ट मिलेगा, इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, दे आर जस्ट बियरर इंस्ट्रूमेंट. बियरर इंस्ट्रूमेंट का मतलब जिसके पास है वो इसको इन कैश करा सकता है. ठीक है, एंड इट देवर एम्ड एट इंक्रीजिंग द ट्रांसपेरेंसी इन पॉलिटिकल फंडिंग एंड रूटिंग आउट द ब्लैक मनी फ्रॉम पॉलिटिकल फंडिंग. इसके अलावा किन किन वैल्यूज में ये आते हैं, तो दे आर इशूड इन द अमाउंट्स ऑफ रुपीज 1,000, 10,000, 1 lakh, 10 lakh, or 1 crore. दे आर इशूड इन द मल्टीपल्स ऑफ रुपीज 1,000, 10,000, 1 lakh, 10 lakh, or rupees 1 crore. एंड यू कैन गेट द इलेक्टोरल बॉन्ड्स आफ्टर फुलफिलिंग द नो योर कस्टमर नाम्स एंड मेकिंग पेमेंट्स फ्रॉम बैंक अकाउंट. एंड दीज बॉन्ड्स डू नॉट कैरी द नेम ऑफ पेई. किसने दिया है उनका नाम नहीं होता है, बिकॉज देयर माइट बी अ सॉर्ट ऑफ पॉलिटिकल विच हंटिंग. अगर आप गवर्नमेंट को नहीं दोगे और अपोजिशन पार्टीज को देते हो तो गवर्नमेंट माइट गो आफ्टर यू. सो दीज बॉन्ड्स विल नॉट कैरी द नेम ऑफ पेई. ठीक है, एंड द बॉन्ड डिपॉजिटेड बाई एनी एलिजिबल पॉलिटिकल पार्टी टू इट्स अकाउंट शैल बी क्रेडिटेड ऑन द सेम डे. तो अगर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इलेक्टोरल बॉन्ड जमा कराती है तो उसके अकाउंट में उसी दिन पैसा
आ जाएगा एंड इलेक्टोरल बॉन्ड्स आर मे परचेज बाई ओनली सिटीजन ऑफ इंडिया, सिर्फ इंडिया के जो सिटीजन्स हैं वही इलेक्टोरल बॉन्ड्स को खरीद सकते हैं एंड दे कैन बी बॉट आइदर सिंगली और जॉइंटली विद अदर इंडिविजुअल्स। एंड ये कब तक वैलिड रहते हैं, इलेक्टोरल बॉन्ड्स आर वैलिड फॉर 15 कैलेंडर डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इशू। तो अगर मान लीजिए आप 1 तारीख को बॉन्ड खरीदते हैं तो वो अगले 15 दिनों के लिए ही वैलिड होंगे। इसके अलावा आप ये सोचें कि हम अगले साल किसी पॉलिटिकल पार्टी को देंगे तब वो वैलिड नहीं होंगे। एंड कौन सी पॉलिटिकल पार्टीज हैं जिनको आप इलेक्टोरल बॉन्ड दे सकते हैं, सो ओनली रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टीज दैट हैव सिक्योर्ड नॉट लेस देन 1% ऑफ वोट्स पोल्ड इन लास्ट इलेक्शन ऑफ लोकसभा और लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ स्टेट। ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज जिनको पिछले लोकसभा इलेक्शन या स्टेट असेंबली के इलेक्शन में उनको 1% से ज़्यादा वोट मिले हैं या 1% वोट्स मिले हैं, आप उन्हीं को इलेक्टोरल बॉन्ड दे सकते हैं। ठीक है, तो अब इलेक्शन कमीशन को इन इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम से क्या प्रॉब्लम है। सो इलेक्शन कमीशन हैज टोल्ड द सुप्रीम कोर्ट दैट कॉन्ट्रेरी टू गवर्नमेंट क्लेम्स इलेक्टोरल बॉन्ड्स स्कीम रेक्स ट्रांसपेरेंसी इन पॉलिटिकल फंडिंग। तो गवर्नमेंट जो क्लेम कर रही है कि इससे जरिए ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का मानना है कि उससे जो है वो ट्रांसपेरेंसी नहीं बढ़ेगी, रेदर इट विल इंक्रीज ओपेकनेस इन पॉलिटिकल फंडिंग। इसके अलावा जो फॉरेन फंडिंग को लेकर के जो एक कैप था कि कोई भी फॉरेन कंपनी या फॉरेन ऑर्गेनाइजेशन कैन नॉट इन्वेस्ट मनी इन पॉलिटिकल पार्टीज ऑफ इंडिया, दैट कैप हैज ऑल्सो बीन रिमूव्ड बाय द गवर्नमेंट। तो इसके कारण से जो करप्शन है वो बढ़ेगा, ऐसा इलेक्शन कमीशन का कहना है, उन्होंने अपने एफिडेविट में सुप्रीम कोर्ट में बोला है। एंड इलेक्शन कमीशन हैज ऑल्सो सेड दैट दिस वुड पंप इन ब्लैक मनी फॉर पॉलिटिकल फंडिंग थ्रू सेल कंपनीज एंड दिस विल ऑल्सो अलाउ अनचेक्ड फॉरेन फंडिंग ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज इन इंडिया विच कुड लीड टू इंडियन पॉलिटिक्स बींग इन्फ्लुएंस्ड बाई फॉरेन कंपनीज। तो इसके कारण ये सारी दिक्कत आ सकती है। ठीक है, तो ये था इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम के बारे में। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड एक पेज आता है संडे को, यहाँ पे एक न्यूज़ थी, इंडिया माइट सून हैव द मोस्ट सेजेरियन बर्थ। ठीक है, तो एक जो स्टडी की है नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे ने, वहाँ पे पाया है कि देयर हैज बीन अ सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन द रेट ऑफ सेजेरियन बर्थ इन इंडिया। ठीक है, तो WHO रिकमेंड्स दैट द रेट ऑफ सेजेरियन डिलीवरी टू बी 10-15%, वाइल इन इंडिया इट इज़ एट 17.2%। ठीक है, इन बिटवीन जनवरी 2015 टू दिसंबर 2016 द रेट ऑफ सिजेरियन डिलीवरी इन इंडिया वॉज 17.2%। तो अब हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे कि सिजेरियन डिलीवरी अच्छा है या बुरा है, उसके कारण क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। तो एक लैंसेट की रिपोर्ट आई थी, इट पॉइंटेड आउट दैट प्रेवेलेंस ऑफ मैटर्नल मोर्टेलिटी एंड मॉर्बिडिटी इज हायर आफ्टर सिजेरियन बर्थ दैन आफ्टर वेजाइनल बर्थ। ठीक है, तो इसके कारण से जो मैटर्नल मोर्टेलिटी है वो बढ़ जाती है। तो ये ध्यान रखिएगा, इसके डिसएडवांटेजेस हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि सिजेरियन सी सेक्शन का जो है वो डिसएडवांटेज क्या है। तो इसके कारण से मैटर्नल मोर्टेलिटी एंड मॉर्बिडिटी बढ़ जाती है। इसके अलावा इट इंक्रीजेज द रिस्क ऑफ यूटेराइन रप्चर, एबनॉर्मल प्लेसेंटेशन, एक्टोपिक प्रेगनेंसी एंड स्टिल बर्थ एंड प्रीटर्म बर्थ। तो इसके कारण से ये सारी प्रॉब्लम्स भी होती हैं। एंड इसके अलावा इसके कारण और प्रॉब्लम्स होती हैं कि द चिल्ड्रन बॉर्न थ्रू सी सेक्शन हैव इंक्रीज्ड चांसेस ऑफ एलर्जी, एस्थमा एंड चाइल्डहुड ओबेसिटी। तो ये सारी प्रॉब्लम्स है सी सेक्शन के कारण। ठीक है, तो ये यहाँ पे सी सेक्शन को लेकर के था। एंड ये सारे के सारे आप डिसएडवांटेजेस ध्यान रखिएगा कि UPSC में हो सकता है पूछ ले कि इट इंक्रीजेज द चांसेस ऑफ मैटरनल मोर्टेलिटी। यस, इट इंक्रीजेज द चांसेस ऑफ मैटरनल मोर्टेलिटी, इट इंक्रीजेज द चांसेस ऑफ एलर्जी, एस्थमा एंड चाइल्डहुड ओबेसिटी। एट द सेम टाइम द चिल्ड्रन बॉर्न थ्रू सी सेक्शन हैव लेसर इम्यूनिटी। ठीक, तो ये ध्यान रखिएगा। इसके अलावा कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिसके कारण सी सेक्शन के लिए ज़्यादा लोग जा रहे हैं, रीजंस आर डिजायर फॉर कम्फर्ट, फियर ऑफ पेन एंड हेल्थ रिस्क फ्रॉम वुमेन एंड ऑर्गेनाइजेशनल एंड मेडिकल सिंप्लिसिटी। तो बहुत सारे लोग हैं पेन अवॉइड करने के लिए वो सी सेक्शन के लिए जाते हैं। दूसरा ये कि बहुत सारे ऐसे क्लिनिक्स भी हैं जो ज़्यादा पैसा बनाने के लिए पेशेंट्स को रिकमेंड करते हैं कि आप सी सेक्शन के लिए जाइए। लेकिन सी सेक्शन के ये सारे डिसएडवांटेजेस हैं और इनको आप लोग ध्यान रखिएगा। इसके बाद हम लोग आ जाते हैं ओपन पेज में, कुछ इंपॉर्टेंट नहीं था, ये हो गया। यहाँ पे स्पोर्ट्स सेक्शन है, वी कैन स्किप इट, IPL से रिलेटेड न्यूज़ थी, सो इट इज़ नॉट मच इम्पॉर्टेंट फॉर अस। एंड यहाँ पे हाँ, लास्ट पेज पे हमारे लिए है सून द फर्स्ट फोटो ऑफ ब्लैक होल। सो एक प्रोजेक्ट है, इवेंट हॉरिजॉन टेलीस्कोप प्रोजेक्ट, दैट इज़ अ ग्रुप ऑफ अराउंड 200 एस्ट्रोफिजिसिस्ट एंड दे हैव सेड दैट दे विल रिलीज द फर्स्ट फोटो ऑफ ब्लैक होल ऑन वेडनेसडे। तो ब्लैक होल की जो पहली फोटो है दुनिया में वो वेडनेसडे को रिलीज करेंगे इवेंट हॉरिजॉन टेलीस्कोप प्रोजेक्ट के एस्ट्रोफिजिसिस्ट। तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि ब्लैक होल क्या होता है। अ ब्लैक होल इज अ प्लेस इन स्पेस वेयर ग्रेविटी पुल्स सो मच दैट इवन लाइट कैन नॉट गेट आउट। ठीक है, द ग्रेविटी इज सो स्ट्रॉन्ग बिकॉज मैटर हैज बीन स्क्यूज्ड इनटू अ टाइनी स्पेस। एंड ये कब होता है, दिस हैपेंस व्हेन अ स्टार इज डाइंग।
तो ब्लैक होल क्या है, ऐसा स्पेस जहाँ पे ग्रेविटी बहुत ज्यादा है, एंड द ग्रेविटी पुल इज सो दैट इवन लाइट कैन नॉट गेट आउट. ठीक है, एंड ये होता कब है, दिस हैपेंस व्हेन अ स्टार इज डाइंग, एंड बिकॉज नो लाइट कैन गेट आउट पीपल कांट सी ब्लैक होल्स, क्योंकि लाइट कोई जब लाइट के रिफ्लेक्शन के कारण ही तो हम ऑब्जेक्ट्स को देख पाते हैं. सो बिकॉज नो लाइट कैन गेट आउट हेंस पीपल कैन नॉट सी ब्लैक होल्स. एंड ब्लैक होल्स छोटे होते हैं या बड़े होते हैं, ब्लैक होल्स कैन बी बिग और स्मॉल. सम साइंटिस्ट थिंक दैट स्मॉलेस्ट ब्लैक होल्स कैन बी एज स्मॉल एज जस्ट वन एटम, एंड द बिग ब्लैक होल द रेफर टू एज स्टेलर कैन बी अप टू 20 टाइम्स मोर देन द मास ऑफ द सन, एंड द लार्जेस्ट ब्लैक होल्स आर कॉल्ड सुपर मैसिव. And these black holes have masses that are more than 1 million suns together. ठीक है, तो black hole छोटे भी हो सकते हैं, बड़े भी हो सकते हैं, and the super massive black holes are such that they have the mass of 1 million suns put together. ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा यहाँ पे black holes के बारे में. इसके अलावा जो है वो गुड़ी पड़वा is a महाराष्ट्रियन न्यू ईयर्स डे, तो ये एक न्यूज़ थी. एंड यहाँ पे एक जियोजुत्सु के बारे में एक न्यूज़ है, हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे जियोजुत्सु क्या है. जियोजुत्सु इज अ जापानीज मार्शल आर्ट, तो ध्यान रखिएगा जियोजुत्सु इज अ जापानीज मार्शल आर्ट, एंड इट इज अ मेथड ऑफ क्लोज कॉम्बैट फॉर डिफीटिंग एन अपोनेंट इन विच वन यूजेस आइदर अ शॉर्ट वेपन और नन. तो हमको क्या ध्यान रखना है बेसिकली, वो ये है कि जियोजुत्सु इज अ जापानीज मार्शल आर्ट. किस कंट्री से रिलेटेड है, जापान से रिलेटेड है. इसके अलावा यहाँ पे एक न्यूज़ है, लास्ट न्यूज़ है, क्लाइमेट चेंज ब्लाइट्स चिल्ड्रंस लाइफ इन बांग्लादेश. ठीक है, तो क्लाइमेट चेंज के कारण जो बच्चों की लाइफ है वो बांग्लादेश में बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो रही है, एंड अकॉर्डिंग टू यूनिसेफ इन्वायरमेंटल डिसास्टर्स लिंक टू क्लाइमेट चेंज आर थ्रेटनिंग द लाइफ ऑफ ओवर 19 मिलियन चिल्ड्रन इन बांग्लादेश एंड प्रॉम्प्टिंग मेनी फैमिलीज टू पुश देयर डॉटर्स इनटू चाइल्ड मैरिजेस. तो ये भी एक क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट है कि इट विल हैव अ सोशल इम्पैक्ट, एंड जो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट होता है वो चिल्ड्रन के ऊपर होता है, एंड अमंग द चाइल्ड ऑल्सो द बिगेस्ट इम्पैक्ट विल बी ऑन द गर्ल्स दैट दे विल बी फोर्स्ड इनटू चाइल्ड मैरिजेस. तो यहाँ पे जो एक इंस्टीट्यूशन मेंशनड है यूनिसेफ, उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं कब बना था. यूनिसेफ वॉज क्रिएटेड बाई द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ऑन 11 December 1946. तो ये बना था 1946 में. किस लिए बना था, टू प्रोवाइड इमरजेंसी फूड एंड हेल्थ केयर टू चिल्ड्रन इन कंट्रीज दैट हैड बीन डिवास्टेटेड बाई वर्ल्ड वॉर टू. तो वर्ल्ड वॉर टू के बाद जिन बच्चों को रिहेबिलिटेशन नहीं हो पाया था या बहुत ज़्यादा दिक्कत थी, उनके लिए यूनिसेफ बना था. And Ludwig Reisman is widely considered as the founder of UNICEF and he was its first chairman. And इसके बाद 1953 में UNICEF was made a permanent body and the word emergency and international were dropped from its name. ठीक है, तो 1953 में इसको permanent body बनाया गया था, but its acronym is even today UNICEF, but at present its full form is United Nations चिल्ड्रन फंड. ठीक, तो ये ध्यान रखिएगा यूनिसेफ के बारे में, बना कब था, 1946 में बना था, किस लिए बना था, टू प्रोवाइड इमरजेंसी फूड एंड हेल्थ केयर टू चिल्ड्रन इन द कंट्रीज दैट हैड बीन डिवास्टेटेड बाय वर्ल्ड वॉर टू. वर्ल्ड वॉर टू के बाद जिन कंट्रीज में बहुत ज़्यादा चाइल्ड रिफ्यूजीज हो गए थे या फिर मतलब कहना चाहिए चाइल्ड का रिहेबिलिटेशन नहीं हो पाया था, उसके प्रोटेक्शन के लिए बना था, एंड इन 1953 इट वॉज मेड अ परमानेंट बॉडी ऑफ द यूनाइटेड नेशन. सो दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड फॉर टुडे. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे. Please do like, share and subscribe the Exams Made Simple. Thank you and have a nice day.